राम राम जी। देसी नुस्खा देसी बंदा चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइबर और कमेंट हम लेकर आए हैं। खांसी के बारे, खांसी होने के अनेक कारण माने जाते हैं। खांसी वात पीत और कफ के कारण हो जाती है। यदि खांसी की चिंता समय पर नहीं की जाती है तो यह जिगर अर्थात काफ़ी दिनों के बाद जाती है। यदि अधिकतर जुकाम बिगड़ने ठंडे पानी से स्नान करने आदि से हो जाती है। दो प्रकार की खांसी होती है, खांसी व कफ वाली खांसी हो तो रोगी को दूध तथा दूध से बने पदार्थ चावल तथा ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा खट्टे पदार्थ उत्पन्न करने वाले पदार्थ आदि भी नहीं खाने चाहिए। ठंडी हवा में रहने तथा भीगने से रोग बढ़ जाता है, अतः इससे ये क्या क्या है। आंवले का चूर्ण शहद में मिलाकर लें। नंबर दो, कफ वाली खांसी में लोशन की कली कुचलकर चबाना चाहिए, ऊपर से गर्म पानी पी लें। छाती में जुकाम हुआ सारा कफ 3-4 दिन में बाहर निकल जाएगा। प्रकार की खांसी में लाभदायक है। आवाज बैठ जाए तो लादी चूर्ण का प्रयोग करें और पिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।